अतिक्रमण चिन्हीकरण के लगभग डेढ़ महीने के बाद राजधानी के प्रेमनगर में सवेरे 8 बजे से चिन्हित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि प्रेमनगर क्षेत्र में 155 से ऊपर अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें से लगभग 40 अतिक्रमण पर जेसीबी गरज चुकी है। पूरे दिन यहां पर इसी तरह से चिन्हित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। इस मौके पर एसडीएम सदर पीयूष सिंह, एसडीएम मसूरी मीनाक्षी पटवाल, सिटी मजिस्ट्रेट मनोज गोयल, एसपी सिटी प्रदीप राय की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि डेढ़ महीने पहले जब प्रेमनगर में अतिक्रमण चिन्हीकरण टीम की ओर से किया गया तो उसमें कुछ बीजेपी विधायकों ने इस अतिक्रमण चिन्हीकरण का विरोध जताया था। यही कारण है कि स्थानीय व्यापारियों और राजनीति के दबाव में यहां पर चिन्हित अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू होने में डेढ़ महीने तक का वक्त लग गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया। अतिक्रमण हमारे यहाँ जो चिन्हित था वो उनकी संख्या मतलब सैकड़ों में थी और उन पे जो कार्रवाई हो रही है वो सुबह से चल रही है और वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और लगभग 64 दुकानें जो थी वो पूरी तरह से ध्वस्त होनी थी और वो हो चुकी हैं। और आगे की कार्रवाई शाम तक, जब तक पूरी तरह से हम अतिक्रमण मुक्त नहीं कर लेते हैं, तब तक चलती रहेगी। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।